आपके पाम का एनालिसिस करती हूँ, क्या कुछ आपकी पाम बोलती है। तो देखिए, सबसे पहले आपकी पाम को मैं कलर को देखती हूँ। तो आपकी पाम की कलर जो मुझे दिख रही है, पिंक कलर की दिख रही है, तो बहुत अच्छे स्वास्थ्य को बताती है, बहुत अच्छे धन के अट्रैक्शन को बताती है। दूसरी चीज, आपकी पाम की शेप, तो आपकी पाम की शेप बिल्कुल स्क्वायरी शेप में है। देख सकते हैं आप अपने पाम को इस प्रकार से। देखिए, जब भी जातक के पाम स्क्वायरी शेप के हो जाते हैं ना, तो ऐसे जातक बहुत ही उत्तम एवं श्रेष्ठ हथेली कही जाती है। और ऐसे व्यक्ति ईमानदार होते हैं, व्यवहार कुशल होते हैं, भावुक होते हैं, धार्मिक होते हैं, सदाचारी होते हैं, शांति प्रिय होते हैं, तर्कशील होते हैं, लगनशील होते हैं। और आप धार्मिक तो हैं बट अंधविश्वासी नहीं हैं। आसानी से कोई बात पे भरोसा नहीं करते हैं आप। जब तक कि किसी भी बात को तर्क की कसौटी पर परख नहीं लेते हैं, तब तक आप किसी भी बात को नहीं विश्वास करते होंगे। आप मिलनसार हैं, कई बार दूसरों की भलाई में अपना नुकसान कर लेते होंगे। आप बहुत अच्छे मित्र साबित होते हैं और ऐसे जब तक समाज में बहुत अच्छे मान प्रतिष्ठा पाते हैं। दूसरी चीज, तत्व देखें तो आपकी हथेली के तत्व अर्थ एलिमेंट है। इसलिए मैं अर्थ एलिमेंट बोल रही हूँ, क्योंकि आप देख पा रहे होंगे ये, और इस तरह से मेजर करते हैं हथेली को, तो ये और ये देखिए बराबर लगभग है, ठीक है। और ये फिंगर जब देखेंगे थोड़ी छोटी है। तो इस तरह की हथेली जब हो जाती है तो जातक पृथ्वी एलिमेंट के हो जाते हैं, यानी पृथ्वी तत्व के। तो लाइफ में आप बहुत ही फिटफुल रहेंगे और नेचर के थोड़ा करीब रहना आपको अच्छा लगता होगा। प्रैक्टिकल जरूर होंगे आप, बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल होंगे। संतोषी होते हैं ऐसे जातक, ज्यादा भागदौड़ी नहीं होता है, संतोषी होते हैं लाइफ में। और ईमानदार तो होते ही, IQ काफी अच्छी होती है आप लोगों की, और अपने इमोशंस को आप लोग जाहिर नहीं करते होंगे। अब आपकी फिंगर को देखते हैं कि आपकी फिंगर क्या कुछ बोलती है। तो सबसे पहले आपकी गुरु की फिंगर, तो देखिए गुरु की फिंगर इस प्रकार से आप देखेंगे, गुरु की फिंगर और अनामिका फिंगर की लेंथ बराबर है। तो आप में स्वाभिमान और महत्वाकांक्षा दोनों का मिश्रण है, यानी कि बैलेंस है। आपका महत्वाकांक्षा भी अपनी जगह उतनी ही एम्बिशियस है, उतने ही आप स्वाभिमानी भी हैं। मान सम्मान इज्जत के साथ कहीं भी कार्य करना पसंद करते होंगे और अपने गोल को भी अचीव करने के साथ में यही चीज होता होगा, आपको मान सम्मान के साथ अपने गोल को अचीव करें। बहुत ही ज्यादा एम्बिशियस है, क्योंकि फिंगर बहुत अच्छी है आपकी गुरु की फिंगर, और बिल्कुल स्ट्रेट है, किसी तरफ झुकाव नहीं है। तो ठीक है, किसी भी प्रति ज्यादा आपका रुझान नहीं रहता होगा, ठीक है, नॉर्मल है, बैलेंस है, ठीक है। तो आपकी ये फिंगर भी बहुत अच्छी है। दूसरी उंगली मध्यमा, जो कि अपने स्थान से विचलित नहीं हुई है तथा बीच में स्थित होने के कारण यह संतुलन का कार्य करती है, बहुत अच्छे मतलब बुद्धिमता को दिखाती है और गंभीर नेचर को बताती है। तो ये जातक इस प्रकार से हो जाते हैं, यानी कि आपका शनि अच्छा है, बहुत अच्छे संस्कार को भी बताती है कहीं ना कहीं जातक में। क्योंकि देखिए, गुरु आपके ज्ञान को बता रही है, तो आपके मध्यमा फिंगर आपके संस्कार को बता रही है। भले शिक्षा आपकी बहुत अच्छी हो, ज्ञान बहुत अच्छा है, बट संस्कार भी बहुत बड़ी चीज होती है, तो वो आपकी लेकिन थोड़ा अपसेट है। तो जब भी अपसेट हो जाए तो थोड़ा जातक धार्मिक हो जाते हैं, जैसे मिस्ट्रिक साइंस हो गया, ज्योतिष हो गया, तंत्र मंत्र हो गया, इनमें थोड़ा ज्यादा रुझान रखते हैं ये लोग। और कभी कभी आपको एकाग्र रहना, अकेला रहना, मंथन करना, कोई चीज के बारे में सोचना, ये बहुत पसंद होगा आपको। तो चलिए अब अनामिका फिंगर को देखते हैं। तो अनामिका फिंगर की लेंथ बहुत अच्छी है आपकी। तो ऐसे जातक अपने समाज में मान प्रतिष्ठा पाते हैं, देश विदेश की यात्रा तो करते ही करते हैं, प्लस बहुत ही एक तरह से अच्छे नेचर को बताता है, बहुत ही स्वाभिमान के साथ जीना बताता है, बहुत क्रिएटिव टैलेंट को बताता है। तो आपके अंदर ये चीज भरपूर मात्रा में है और समाज में बहुत अच्छा आप पाएंगे भी। अब देखिए, आपकी जो छोटी फिंगर की लेंथ आपकी बिल्कुल यहाँ तक है, पहले पोर तक पहुंच गई है ना अनामिका फिंगर की। तो ऐसे जातक में बहुत अच्छा कम्युनिकेशन हो जाता है, बहुत अच्छा मार्केटिंग स्किल होता है, कैलकुलेशन बहुत अच्छा हो जाता है, मैथमेटिक्स वगैरह बहुत अच्छा होता है, तर्क वितर्क करने की शक्ति बहुत अच्छी हो जाती है। ओवरऑल बिजनेस माइंडेड जातक हो जाते हैं, बहुत अच्छा अपने वाणी से किसी को कन्विंस करने की प्रवृत्ति बताती है। चलिए अब आपके अंगूठा को देखते हैं। तो आपकी अंगूठा की लेंथ बहुत अच्छी है, यहाँ तक है, तो छोटी अंगूठा तो नहीं है, नो डाउट अच्छी है। तो अच्छे दृढ़ निश्चय को बताता है, बहुत अच्छे इच्छा शक्ति को बताता है, बहुत अच्छे डिसीजन मेकर को। देखिए आपके गुरु की फिंगर से भी बहुत अच्छी लीडरशिप क्वालिटी, बहुत अच्छे निर्णय लेने की क्वालिटी है आप में। और आपकी थंब से भी मुझे यही पता चल रही है कि थंब जब इतनी बड़ी हो जाए तो जातक में ये प्रवृत्ति बहुत अच्छा आ जाती है, बहुत अच्छा निर्णय करना किसी भी चीज को लेके, ये चीज दिखाता है। जब आप देखेंगे अपने थंब की पहला पोर, देखिए पहला पोर से दूसरा पोर समान है। देखिए यदि आपका पहला पोर और दूसरा पोर दोनों समान हो जाते हैं तो ऐसे जातक बहुत ही आत्मविश्वासी हो जाते हैं, शांत स्वभाव के होते हैं, वाणी विवेक के बहुत धनी होते हैं, विचार व्यवहार में बहुत संयम हो जाता है और बहुत ही शुभ लक्षण बोले जाते हैं ऐसे अंगूठा। और ऐसे जातक जागरूक भी बहुत अच्छे होते हैं, शांत होते हैं, शिष्ट होते हैं, समाज में ऐसे जातक की प्रतिष्ठा होती है, अपने कार्य पद्धति के लिए, अपने विवेकशील के लिए पर्याप्त सराहना भी मिलती है। और ऐसे जातक अक्सर आपको उच्च पदाधिकारी के पोस्ट पे, जैसे न्यायाधीश हो गए, व्यापारी हो गए, बहुत अच्छे कलाकार हो गए, किसी विषय विशेषज्ञ जैसे बोलते हैं ना, उस पे रहते हैं, मतलब ऐसे होते हैं। अब आपकी फिंगर की एनालिसिस होगी। चलिए अब आपकी पर्वतों का एनालिसिस करते हैं कि आपकी पर्वतें सब क्या बोलती हैं। सबसे पहले आपके गुरु पर्वत, तो आप देख पा रहे होंगे आपके गुरु की फिंगर भी अच्छी सेटिंग है। देखिए इस तरह से गई है, आपने बहुत बीच एज में बहुत ऊपर बहुत अच्छे पोस्ट को प्राप्त करेंगे,
बहुत तरक्की करेंगे, बट थोड़ी सी नीचे सेट हो गए। तो ये उतार चढ़ाव को लाइफ में बताती है कि धन संपत्ति को लेके थोड़ा उतार चढ़ाव बने रहेंगे, वो तो नॉर्मल बात है, वो तो सबके लाइफ में बनती है। ठीक है, अब देखिए इस पे आपका गुरु का पर्वत बहुत अच्छा डेवलप है, बहुत अच्छा विकास लिए हुए है और इस पे कुछ अच्छी अच्छी साइने भी हैं। गुरु पर्वत पे यदि कमल का साइन हो जाए तो गुरु तो एक तो स्वयं विष्णु भगवान की कृपा आपके ऊपर है, प्लस माँ लक्ष्मी का कृपा, यानी कि आपको कहीं भी विघ्न बाधा नहीं आएगी। आप कोई भी कार्य करेंगे तो अच्छे से उसको इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। ऐसे जातक को बहुत ही ज्यादा धन संपत्ति का लाभ होता है और अपने विवेक से, अपने ज्ञान से, अपने शिक्षा से ऐसे जातक अपना धन का अर्जन करते हैं अपने बदौलत। इन्हें विरासत में भले कुछ नहीं मिली हो बट अपने बदौलत ये बहुत अच्छा धन का अर्जन करते हैं। हाँ, एक यहाँ पे प्रोग्रेसिव लाइन है, इस तरह से प्रोग्रेसिव लाइन है जो कि बहुत ही अच्छा दिन ब दिन प्रोग्रेस को ही दिखाती है। एक इस प्रकार से लाइन आ रही है जो कि बहुत अच्छे धन को ही बताती है, ज्ञान से धन का अर्जन दिखा रही है। एक साइन यहाँ पे भी बन रही है इस प्रकार से, देख पा रहे होंगे आप, इस तरह से ट्राइंगल टाइप में बोल सकते हो। तो ये बहुत ही शार्प माइंड, अपने माइंड के कारण धन का अर्जन, ट्राइंगल का मतलब ही हुआ अपने दिमाग से, अपने बुद्धिमता से धन का अर्जन। तो ये गुरु आपका बहुत अच्छा था, अच्छे पारिवारिक सुख, अच्छे संतान सुख, अच्छे दाम्पत्य सुख को बताता है। अब आइए आपके शनि माउंट पे। तो देखिए आपके शनि माउंट पे मुझे बहुत अच्छी अच्छी साइनें जरूर दिख रही हैं, बिल्कुल क्लियर कट दिख रही। एक तो ये साइन है जो कि फिश की आकृति लिए हुए है। तो देखिए जब भी जातक इस तरह से अगर शनि माउंट पे फिश का साइन हो तो ऐसे जातक को अपने घर परिवार से तो संपत्ति मिलती है, अचल संपत्ति का लाभ होता है। दूसरी चीज, ऐसे जातक का संस्कार बहुत अच्छा होता है और अपने बुद्धिमता से, अपने बुद्धिमानी से बहुत अच्छे धन का अर्जन करते हैं। रोजगार का कभी कमी नहीं होता है इनके पास में, हमेशा धन इनके पास में रहता है और सेविंग भी ये बहुत अच्छा कर लेते होंगे। यहाँ पे देखिए इस तरह से लाइन यहाँ आई हुई है ना, इस प्रकार से ये भी लगभग डबल फीस का ही साइन बना रही है। तो ये बहुत ही अच्छे साइन है आपके शनि माउंट पे। शनि प्रधान है आप, हो ना, कुंडली में भी आपके शनि उच्च के जरूर होंगे, क्योंकि शनि इतना अच्छा होने का मतलब है कि कहीं ना कहीं आपको सरकारी जॉब हो गए, रोजगार से संबंधित कोई परेशानी आपको नहीं आएगी। प्लस यहाँ भी इस तरह से लाइनें गई हैं, इस तरह से फॉर्मेशन बना के कुछ इस प्रकार से आई है, जैसे कि पतंग का साइन भी हम लोग बोल सकते हैं। तो ये भी बहुत अच्छी साइन हुई है, नेम फेम ख्याति प्राप्त करना। तो शनि आपका अच्छा, आपने पूछा पॉलिटिक्स में करियर बहुत अच्छी होगी, क्योंकि आपकी शनि जब अच्छा हो जाए तो जातक का पॉलिटिक्स का करियर सबसे अच्छा होता है। ठीक है, चलिए आपके सूर्य का फिंगर देखते हैं। देखिए सूर्य का फिंगर तो आपकी बहुत अच्छी लंबी है, सूर्य का पर्वत विस्तार भी है, लेकिन सूर्य का पर्वत थोड़ी सी दबी हुई है। तो जब दब जाए ना थोड़ी सी, तो थोड़ा सूर्य को आपको ठीक करना पड़ेगा। अब इससे पॉजिटिव साइन देखिए कितना अच्छा पॉजिटिव साइन है। देखिए सूर्य पर्वत पे एक इस प्रकार से आ रही है कुछ लाइनें, उसके बाद इस प्रकार से जा रही है, इस प्रकार से साइड है आपके हथेली में। तो देखिए एक तो त्रिशूल का स्पष्ट त्रिशूल बनी हुई है आपके हथेली में। ठीक है, तो त्रिशूल का साइन होने का मतलब क्या, आप पे माँ दुर्गा का और शिव जी का भरपूर कृपा है। दूसरी चीज क्या, आप कोई भी कार्य करते होंगे विघ्न बाधा जरूर आती होगी, लेकिन आपका कार्य रुकता नहीं होगा, चलता जाता होगा, बहुत ही परचम लहराने वाले चिन्ह है। और एक यहाँ पे लिप जैसा कुछ बन रही है आपके यहाँ पे, जो कि पद्मश्री एक फूल का साइन है, जो कि कमल का फूल बोल सकते हैं उसको आप, उसी प्रकार से यहाँ पे बन रही है। और देखिए इस साइड में भी आपका यहाँ पे भी बन रही है, ये देखिए यहाँ पे बन रही है ना। तो देखिए इस तरह से साइन जब अच्छे से कमल के फूल के टाइप में बन जाए तो जातक को धन बहुत अच्छा आता है और धन। और एक आप ऐसे भी देख सकते हैं, एक लाइन बिल्कुल आपको यहाँ तक गई हुई है। तो ये हुआ क्या, अपने देश में तो ऐसे जातक बहुत अच्छा सेटल रहते हैं, विदेश से भी बहुत अच्छा लाभ मिलता है, यानी देश विदेश से ख्याति प्राप्त करना। आप पॉलिटिक्स में भी जाना चाहते हैं तो वहां पे आपको जीत ही होगी, हार नहीं होगी, आपका किसी भी निगेटिविटी से सुरक्षा करना एक तरह से। और त्रिशूल का साइन यानी कि डायरेक्ट आपका माता रानी और शिव जी का कृपा आपके ऊपर है। आपके बुध पर्वत, बुध पर्वत पे उभार लिए हुए है, बहुत अच्छी उभार है, और एक लाइन यहाँ पे है, एक लाइन यहाँ पे। तो ये होगी, देखिए इधर से इधर को टच कर रही है ना, तो व्यापार से लाभ, ऐसे जातक को अपने व्यापार से बहुत अच्छा लाभ होगा, अगर ये बहुत सफल व्यापारी भी बन सकते हैं। बहुत अच्छा वाणी से लाभ, व्यापार से अपने वाणी से लोगों को कन्विंस करना आपको बहुत अच्छे से आता होगा। पॉलिटिक्स में भी तो बहुत अच्छा भाषण देना, बहुत अच्छा स्पीकर बनना, आपका बुध बहुत अच्छा है। अब देखिए आपके मंगल पर्वत, तो मंगल पर्वत आपका गजब का है, बहुत अच्छा है मंगल पर्वत। मेंटली आप बहुत स्ट्रांग है, बहुत ज्यादा स्ट्रांग है मेंटली, बहुत उभार लिए, भूमि वाहन घर का तो कोई कमी नहीं है। हाँ, आपके मंगल पर्वत में मुझे बहुत शुभ साइन देखिए इस प्रकार से एक लाइन गई है, ठीक है, इस प्रकार से एक लाइन गई है और इस प्रकार से गई है, जो कि लीप का फॉर्मेशन बना रही है। लीफ का जब भी फॉर्मेशन बन जाए ना इस प्रकार से, तो ये भी माँ लक्ष्मी का कृपा ही होता है। लीफ का फॉर्मेशन हो, फूल का फॉर्मेशन हो, ये इस तरह का ना, और बिल्कुल आपका जो फॉर्मेशन है ना,
कमल के लीफ का जो होता है उस प्रकार से आप अपने हथेली को ध्यान से देखेंगे तो आपके इस पे देखिए इस प्रकार से बन रहे हैं, इस प्रकार से बन रहे हैं कुछ। तो ये मंगल आपका बहुत अच्छा, मंगल अच्छा होने से बहुत साहसी है, बहुत पराक्रमी है, डर तो आपके नाम का भी नहीं है, जरा सा भी डर नहीं है आपको। तो निडर होते हैं ऐसे जातक और बहुत ही रिस्क टेकर भी होते हैं, और एक घर का सुख नहीं होता ऐसे जातक को, बहुत सारे घर का सुख होता है। आप देख पा रहे होंगे इस प्रकार से आपका वर्ग भी बड़ा सा बन रहा है। तो ऐसे जातक को मल्टीपल घर का सुख होता है, मल्टीपल वाहन का सुख होता है, बहुत ही साहसी होते हैं, बहुत ही पराक्रमी होते हैं, निडर बहुत ज्यादा होते हैं। एक चीज और देखिए, ये हो गया मंगल, अब आइए चंद्र। तो चंद्र भी आपका बहुत अच्छा उभार लिए हुए है, हाँ इस पे मुझे कोई साइन नहीं दिख रही है, लेकिन उभार लिए हुए है इतना अच्छा, तो चंद्र आपका अच्छा है, तो गुड थिंकर होंगे आप, बहुत अच्छा सोच लेते होंगे, बहुत अच्छा आपके पास आइडियाज होते होंगे, बहुत अच्छा इमेजिनेशन पावर होता होगा आपको, जो चीज सोचते हैं उसको करते भी होंगे, चंद्र आपका अच्छा है। अब आइए केतु पर्वत, देखिए केतु आपका कितना ज्यादा अच्छा है, केतु पे एकदम सुंदर सा फीस बना हुआ है, देखिए इस प्रकार से, एकदम से इस प्रकार से, देखिए इस प्रकार से है, और ये इधर को गई है, ठीक है, और इस प्रकार से है, इस प्रकार से गई हुई है। तो फीस जब हो इस तरह से केतु पर्वत पे फीस हो, तो एक तो प्राबर्ध से आप बहुत अच्छा कर्म किए हैं, प्राबर्ध से अपने पुण्य को लेके आए हैं, ठीक है। देखिए केतु से गुरु और मंगल को जोड़ते हैं, अपने बहुत अच्छा ज्ञान भी है, बहुत अच्छा बल भी है, तो बुद्धि बल दोनों है आपके अंदर, जीवन रेखा से टच करके बनी हुई है ना, तो जीवन रेखा यानी कि लास्ट के एज तक आपको बहुत सुख सुविधा, बहुत काफी धन का लाभ होगा, काफी धन के आने के योग बनते हैं। तो ये हो गई केतु पर्वत, केतु आपका अच्छा है। हाँ, और एक चीज आपका और होगा, आपका सिक्स सेंस भी जरूर एक्टिव होगा, क्योंकि केतु जब इतना अच्छा होता है तो जातक को अनुमान लगाना कोई चीज के बारे में, ये सब चीज बहुत शुभ हो जाता है। आपके शुक्र माउंट, देखिए शुक्र माउंट कितना अच्छा है, जब शुक्र माउंट जब जातक का इतना अच्छा हो जाए, अब आप जीवन रेखा भी देख पा रहे हैं एकदम गोलाई लिए हुए हो, एकदम स्पेस सुंदर सा, एक शुक्र होता है कि चलो डेवलप है आपका, सुंदर प्लस डेवलप है, तो ऐसे जातक खुद तो सुंदर होते हैं, खुद तो अट्रैक्टिव होते हैं, प्लस इनका पार्टनर भी अट्रैक्टिव होता है, और ऐसे जातक को लग्जीरियस लाइफ जीने का बहुत ज्यादा शौक होता है और जीते भी हैं। ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा, फैशन के प्रति बहुत ज्यादा अट्रैक्शन होता है, और आप देख पा रहे हैं तीसरा पोरवा के पास भी बहुत सुंदर सा फीस बना हुआ, इतना सुंदर अंगूठा पे फीस बना हुआ, जातक अपने इच्छा से अपने दृढ़ इच्छा शक्ति से बहुत आगे निकलते हैं, बहुत लाइफ में नेम फेम गेन करते हैं, दौलत शोहरत गेन करते हैं, बहुत अच्छा लग्जीरियस लाइफ रहता है, और दाम्पत्य सुख इनका बहुत अच्छा रहेगा, बहुत ही अच्छा है शुक्र इनका, यानी कि चमकेंगे तो जरूर आप, इतना अच्छा जब शुक्र हो जाए तो पॉलिटिक्स में करियर, फिल्म लाइन में करियर, चाहे फैशन में करियर बहुत अच्छा होगा, प्लस आपका सपोर्टिंग लाइन भी है, तो लोगों का सपोर्ट आपको बहुत अच्छा मिलेगा। देखिए इस प्रकार से मंगल रेखा भी बहुत अच्छा, तो क्या दिक्कत है, बहुत अच्छा आपका हाथ है। राहु पर्वत पे देखिए, देखिए एक प्लस पॉइंट यहाँ पे, राहु पर्वत पे क्लियर कट अलग से आपका ट्राइंगल बना हुआ है, जब राहु पर्वत पे अलग से ट्राइंगल बना हुआ तो जातक का पॉलिटिक्स, राहु को ऐसे भी पॉलिटिक्स के ग्रह से ही जोड़ के देखते हैं, और राहु आपका एरिया बीच का एरिया है, तो राहु जब बीच के एरिया में इस तरह से पॉलिटिक्स का लाइन बना रहे, तो लाइफ में बहुत अच्छा पॉलिटिक्स में करियर होगा, लेकिन थोड़ा सा आपको रुक के करना पड़ेगा। यहाँ से आप देख पा रहे होंगे ना, एक रेखा यहाँ से आपकी राहु रेखा टच कर रही है, लगभग 36 के बाद आपकी बहुत अच्छी लाइनें हैं, प्लस भाग्य रेखा भी यहाँ से निकली हुई है, तो यही चीज बताता है 36 से आपका बहुत अच्छा करियर होगा, बहुत अच्छा भाग्य का साथ है, बहुत अच्छा आपका राहु पर्वत, इंस्टेंट कभी धन लाभ आपको जरूर, कभी लॉटरी जुआ सट्टा इंस्टेंट में भी आपको बहुत अच्छा लाभ होगा, क्योंकि सन माउंट अच्छा है आपका, प्लस राहु अच्छा है, सन ही अच्छा है, कोई माउंट तो गड़बड़ है ही नहीं, तो फिर क्यों नहीं होगा, जरूर होगा। हाँ, लेकिन आपका थोड़ा सा गुस्सा वाला प्रवृत्ति भी जरूर होता होगा, गुस्सा बहुत सडन आना एक तरह से, क्योंकि इस तरह से मंगलिक का भी योग थोड़ी थोड़ी मुझे हथेली में दिख रही है, ठीक है, वो तो जब रेखा का विश्लेषण करते हैं तो फिर बताते हैं। चलिए, आपके हथेली में मुझे सिमियन लाइन दिख रही है, बट आपके हार्ट लाइन भी है, तो ऐसे जातक तो पहली बात सिमियन लाइन का ही मतलब हो गया कि जो चाहा वही किया, और थोड़ा जुनूनी टाइप का होता है कि जो मुझे ये करना है तो करना है, इस चीज को दिखाता है, कभी कभी एग्रेशन भी बहुत आता होगा आपके अंदर, एक तरह से देखिए आपका हार्ट लाइन के जगह और दोनों के बीच में बनी हुई है ना, तो आप देखिए इस प्रकार से बनी हुई है, एक लाइन तो आपके इस तरह से गई, तो कहीं ना कहीं इमोशंस अच्छी बताती है, एक अगर सिमियन लाइन हो जाए ना, तो जातक इमोशंस और अपने बौद्धिक क्षमता में फर्क नहीं कर पाता है, लेकिन आपका एक नहीं है बल्कि इस प्रकार से देख रहे हैं, इस तरह से इसमें जुड़ी हुई है, और एक आपकी लाइन इस तरह से मस्तिष्क रेखा से इस प्रकार से लाइन गई हुई है, तो जातक ना दिमाग से ज्यादा काम करता है, दिमाग से ज्यादा काम लेता है, और कभी कभी आपको इमोशनली भी थोड़ा सा लगता होगा मुझे कोई नहीं प्यार करता है, एकांत रहना, अकेला रहना,
रहना, वैराग्य को कर लेना, इस तरह से मन में आता होगा। लेकिन वही दिमाग आपका बोलता होगा नहीं ये सब सही है, कुछ काम करते हैं, कुछ अच्छा करते हैं, आप तो 100% बहुत ही अच्छा करेंगे, कुछ ना कुछ लाइफ में तो गजब का आप अच्छा करेंगे जो कि आपका नेम फेम होगा। क्योंकि इस तरह से सिमियन लाइन है, और इसमें प्लस पॉइंट एक तो सिमियन लाइन होता है कि अकेला हो, तो उसमें माइनस पॉइंट भी होता है कि जातक में गुस्सा बहुत होता है, जुनूनी हो जाता है। लेकिन आप में क्या है, हार्ट लाइन भी है। देखिए हृदय किसी के जातक का लव इमोशंस को जानता है, अपने इमोशंस में और अपने बौद्धिक क्षमता में, भावना और बौद्धिक क्षमता में सामंजस्य बना पाते होंगे। लेकिन कभी कभी तो दोनों एक हो जाता होगा, तो आप ज़्यादा दिमाग की ही सुनते होंगे, और सुने भी तो ज़्यादा अच्छा है, बहुत अच्छा आपके हाथ में है। और एक लाइन इस तरह से है तो इमेजिनेशन पावर जातक में बहुत अच्छा हो जाती है, देख पा रहे होंगे। और आपका एक चंद्र पर्वत से जाके आपके भाग्य रेखा में टच कर रहा है ये लाइन। तो ये हो गया पब्लिक सपोर्ट का, बाहरी जने का सपोर्ट का, मतलब बाहरी आदमी का सपोर्ट का, पब्लिक सपोर्ट का, बर्थ प्लेस से दूर सपोर्ट का, देश विदेश में नेम फेम का। तो आपका बहुत ही अच्छा करियर रहेगा आपका पॉलिटिक्स में। सबसे पहले तो आपके हार्ट लाइन के बारे में बता दूं, आपके हार्ट लाइन का विस्तार यहाँ से होगा। तो प्रेम में ऐसे जातक आदर्शवादी होते हैं, गुरु और शनि के बीच से निकला हुआ है ना, तो आदर्शवादी हैं, स्वार्थी भी हैं, लेकिन ये लोग प्रेम का दिखावा नहीं करते, प्रेम तो होता है बट दिखावा नहीं करते हैं। बाकी इमोशनली आपका अच्छा रहेगा, आपका हार्ट टूट में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और अब आइए आपके मस्तिष्क रेखा। तो आपकी मस्तिष्क रेखा देखिए इस प्रकार से मैं देख पा रही हूँ, बिल्कुल यहाँ से गई है जीवन रेखा से। तो अपने परिवार के बारे में सोचना, बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट होना, कोई बात को ठान लेना तो उसको करके दिखाना, साहसी पराक्रमी, क्योंकि मंगल पर्वत पर गई है, कहीं नहीं हुई है, बिल्कुल मंगल पर्वत तक चली गई है। तो जो बात को सोचना वही बात को करना, एक तरह से एक सिमियन लाइन भी है आपके हथेली में और एक हार्ट लाइन भी है। तो जब सिमियन लाइन वही प्रॉब्लम होती है तो, लेकिन आपका मस्तिष्क रेखा में से हार्ट लाइन निकली हुई है, तो भावना भी आपके अंदर है, भावनात्मक भी है आपके अंदर, बस मानसिक गुण आपका बहुत स्ट्रांग है, बहुत ही जुनूनी, कोई ना कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वालिटी जातक में जरूर होता है, आप में भी जरूर होगा। या तो बहुत अच्छा स्पीकर होंगे, बहुत अच्छा बोल लेते होंगे, या फिर बहुत अच्छा लिख लेते होंगे, गा लेते होंगे, ठीक है, ये चीज दिखाता है बहुत ही। और सूर्य पर्वत पे आप देख पा रहे हो इस तरह से ट्राइंगल भी बनी हुई है, लाइक इस प्रकार से ना, और लोटस भी इस तरह से है, सुंदर सा है, इधर से है। तो देखिए बहुत अच्छा नेम फेम गेम करना, मुझे लगता है अभी भी बहुत अच्छे पोस्ट पे ही आप होंगे, कहीं अच्छे अधिकारी पोस्ट पे ही होंगे, बहुत अच्छा लाइन है आपका, और सब आपने खुद अपने बदौलत हासिल किया है। तो चलिए ये तो हो गई आपकी मस्तिष्क रेखा, और देखिए आपकी जीवन रेखा। तो जीवन रेखा में कहीं कोई नहीं, फिजिकली बहुत स्ट्रांग रहेंगे, लाइफ टाइम स्ट्रांग रहेंगे आप, बहुत अच्छा है आपका जीवन रेखा, कोई दिक्कत है ही नहीं जीवन रेखा में। और लेफ्ट हैंड में भी आपका जीवन रेखा अच्छा है, देखिए यहाँ पे भी आपका ट्रायंगल इस प्रकार से बन रही है ना, तो ये बहुत बड़ी ट्रायंगल का शेप हो गया ना, ये ट्रायंगल बहुत बड़ी ट्रायंगल हो गई। तो इतनी बड़ी ट्रायंगल जब जातक के हाथ में हो तो दिमागी रूप से बहुत कुशार्ग होते हैं, जो काम सोचते हैं वो करते भी, और धन भी का भी बहुत अर्जन करते हैं, अपने दिमाग के बदौलत धन का अर्जन करते हैं, ट्रायंगल होना बहुत। और आपका जीवन रेखा बहुत अच्छा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं, लाइफ स्टाइल बहुत अच्छी रहेगी आपकी, लग्जरियस लाइफ रहेगी, क्वालिटी क्वांटिटी ऑफ लाइफ दोनों अच्छी होगी आपकी, ठीक है। चलिए अब आपकी शनि रेखा, भाग्य रेखा। तो भाग्य रेखा राहु पर्वत से शुरू हुई, तो मिड एज में स्टार्टिंग में आपको भले स्ट्रगल करनी हो, लेकिन मिड एज हो गई आपकी 25 से आपकी बहुत अच्छा भाग्य का साथ मिला होगा, बिल्कुल भाग्य उदय आपकी हो चुकी है, इस प्रकार से शनि पर्वत पे चली गई है, बहुत अच्छे लक को दिखाता है, लक का साथ हमेशा रहेगा, भले आपको स्टार्टिंग एज में नहीं हो बट मिड एज के बाद आपको लक का साथ अच्छा मिलता होगा, अच्छा मिलना शुरू हो गया होगा, जो कार्य करेंगे सब में आपको सफलता मिलेगी, क्योंकि इतनी अच्छी लक लाइन हो और शनि की कृपा स्पेशल हो तो जातक को राज्य सरकार से, केंद्र सरकार से, देश विदेश से बहुत अच्छा लाभ मिलता है। प्लस एक सुंदर सा मनी ट्रायंगल आपके हथेली में बन रही है, जो कि इतनी अच्छी मनी ट्रायंगल होने का मतलब धन का बहुत अच्छा योग तो बताता ही बताता है, प्लस अपने दिमाग का भी, अपने बदौलत ऐसे जातक धन का अर्जन करते हैं। हाँ, मनी ट्रायंगल यहाँ तक बनी है, अभी आगे रेखा जा रही है, अभी गई नहीं है बट चली जाएगी, इतना भी काफी है, बहुत अच्छा, ऐसे जातक करोड़पति अरबपति सब बनते हैं, बहुत अच्छा है। और आपका देख पा रहे होंगे आपका इस तरह मणिबंध भी आपका एक पूरा क्लीन है। देखिए यहाँ पे अगर तिल है तो ये तिल होने का मतलब अच्छा ही होता है, क्योंकि ये आपका तिल बचपन से होगा तो कोई दिक्कत नहीं, सडन भी आया तो हेल्थ लाइन पे आया तो मणिबंध पे तिल अच्छा ही बोला गया है। और देखिए यहाँ पे दूसरी भी है आपकी इस तरह से लाइन है, तीसरी तो मणिबंध मुझे नहीं दिख रही है बट दो मणिबंध है, तो हेल्थ वेल्थ की तो लाइफ में कभी कोई कमी रहेगी ही नहीं। तो ये हो गई आपके हाथ की पूरा विश्लेषण। देखिए आपके हथेली में मुझे मछली दिखी, आपके हथेली में मुझे ट्रायंगल दिखी, पद्मश्री मतलब कमल का साइन दिखी, एक काइट भी दिखी है यहाँ पे, शनि माउंट पे देखिए यहाँ पे दिख रही है।
काइट भी दिखी है, और एक लीफ जो एकदम से कमल फूल का लीफ होता है यहाँ पे मंगल पर्वत पे दिखी है। तो किसी तरह का कोई लाइफ में प्रॉब्लम नहीं होगी, होगी तो उसको बचाव कर लेगी। और देखिए एक चीज़ मैं बोलना चाहती हूँ, आपकी हाथ की रेखा ना हर 6 महीने हर 1 साल में बदलती रहती है, आपका कर्म जैसा होगा वैसा रेखा बदलती रहती है। तो ऐसा नहीं कि आज हमने प्रिडिक्शन करवा लिया ये लाइफ टाइम हमारी रहेगी, ऐसा नहीं होता। हाँ 1 साल 2 साल के अंदर की घटनाएं दुर्घटनाएं को इंडिकेट करती है, लेकिन अभी आपकी हथेली में इतने कुछ अच्छे साइन हैं तो अभी कुछ भी कार्य आप करेंगे तो उसमें आपको सफलता मिलेगी मेहनत के साथ। तो आई होप मैंने आपके हाथ का सारे रेखाओं का विश्लेषण कर दिया। यदि अब इसके बाद कोई रेखाएं बच गई हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। नमस्कार।